हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ राशिद मिर्ज़ा और आज आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और कैसे हैं, सब ठीक है? उम्मीद तो यही है कि सब ठीक होंगे, होप एंजॉय कर रहे होंगे मौसम को। तो आज हम जो वीडियो देखे जाए बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का आपको पता ही है कि मैंने सुना कि अब नो मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, ऐसा कुछ वीडियो का टाइटल है। देखते हैं, इंडियन मीडिया की वीडियो है। अभी उसके बारे में क्या है मेड इन बांग्लादेश, कौन सी चीज़ है मेड इन बांग्लादेश, और क्या बांग्ला उसके आने जा रहा है मेड इन बांग्लादेश, उसके बारे में कुछ वीडियो है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ी रिपोर्ट होगी आने वाले फ्यूचर के लिए, बांग्लादेश के लिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, आपको पता है कि माशाल्लाह टॉप पे है। 2019 में तो टॉप पे थी, ग्रोइंग ग्रोइंग के लिए ऐसे टॉप में थी, और नेपाल की सेकंड में थी। अब देखते हैं कि आने वाले साल 2020 में बांग्लादेश कहाँ तक जो है ना ऊपर जाता है। ठीक है, तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है बांग्लादेश की जो ये प्रोग्रेस देख के। और चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जाना किधर नहीं, स्टे विद अस, और आखिर तक मेरा ओपिनियन भी देखिएगा वीडियो के बाद। और अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो है ना अगर अच्छी वीडियो लगे तो जरूर लाइक करिए। तो वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट अप वीडियो। ठीक है, अगर आपसे हिंदी में कोई कहे दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, आपका जवाब होगा चीन में। और ये बात सही भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा सामान जो इस्तेमाल होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं। मेड इन चाइना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में शायद मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश ले लेगा। हैरान मत होइए, मैं सही बात हो सकता है, देखते हैं। चीन की कंपनियां बड़े पैमाने पर खुद बांग्लादेश जा रही हैं, चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और बांग्लादेश में जाकर के अपने कारोबार को शुरू कर रही हैं। इसका कारण भी है, कारण यह है कि चीन में अब पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन कास्ट है बहुत महंगी हो गई है। वहां पे मटेरियल महंगा मिल रहा है, वहां पे मजदूरी महंगी हो गई है। हालत यह है कि चीन की वो फैक्ट्रियां जो पहले अपने कारीगर को 2,000 युआन महीने के चीन में दिया करती थी, वो केवल 125 युआन बांग्लादेश में देकर काम चला रही है। आप देखिए कितना अंतर है, कहां वो 2,000 युआन एक अपने श्रमिक को महीने भर की सैलरी देती थी, कहां बांग्लादेश में वो केवल 125 युआन दे रही हैं। तो हर महीने उनकी 10% की बचत हो रही है। और ये सारी चीजें जब चाइना में, चाइना के जो उद्योगपति हैं उनको समझ में आ रही है, तो बहुत तेजी के साथ वो बांग्लादेश में भाग रहे हैं। हालत ये थी कि मुश्किल से 20 साल पहले, 22 साल पहले चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश जाना पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन अब बड़े पैमाने पे खबरें आ रही हैं कि हांगकांग में चीनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना में जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहां पे अपना काम बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर के अपना काम शुरू कर रहे हैं। और ये वाकई मतलब अगर एशियन कंट्री के हिसाब से देखें, बांग्लादेश के हिसाब से देखें, तो बांग्लादेश के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि बांग्लादेश पहले ही दुनिया भर में गारमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे अपना डंका बजा चुका है। दुनिया भर के सारे बड़े ब्रांड इस समय बांग्लादेश में बनते हैं और विदेशी ब्रांड की कंपनियां उनसे टाई अप करके वहां पे वो सारी चीजें बनवाती हैं। तो अब जो गारमेंट उद्योग बांग्लादेश में फलफूल रहा था और जिस तरह से फलफूल रहा था, वैसी ही स्थिति दूसरे उद्योगों में या दूसरे सामानों के बनने में भी होने वाली है। जैसे चाइनीज कंपनीज जो बड़े पैमाने पे विग बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं, जो चश्मे बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंपनियां भी तो जो और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में थी, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में थी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में थी, वो सारी के सारी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश जाने की योजना भी बना रही हैं। तो कुछ कंपनियां जा रही हैं, कुछ कंपनियां जा चुकी हैं, कुछ कंपनियां जाने की योजना बना रही हैं। तो अगले 10 या 20 साल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली हुई होगी। एशिया ही नहीं, हो सकता है कि विश्व में मेड इन चाइना की जो जगह आज है वो एक डेकेड या दो डेकेड में बांग्लादेश की हो जाए। आने वाले हम जो इस सामान इस्तेमाल करें वो मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश। और ये बात सही है, आदमी वो जहाँ सस्ता श्रम मिलेगा, सस्ता लेबर मिलेगा, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो वहीं जाएगा। और बांग्लादेश की सरकार इस समय बड़े पैमाने पर बाहर से जो भी उद्योगपति आ रहे हैं या बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको बहुत आसान तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, लेबर मुहैया करवा रही है, और जो भी हर्डल्स हैं वो सब क्लियर कर रही है। और वहां जाने वाले उद्योगपति ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो किसी भी एशियाई देश की तुलना में सबसे कम करप्ट है।
यानी कि वहां पर अगर आप कोई यूनिट लगाने जाइए, कोई फैक्ट्री लगाने जाइए, तो वो बहुत कम समय में लग रही है और उसमें जो लाल फीता शाही है वो सारी चीजें बहुत कम आड़े आ रही हैं। और केवल ये, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियां ही जा रही हैं, बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियों के जाने से पहले बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहां पहुंच चुकी हैं, उनके वहां पर बहुत ढेर सारे निवेश हैं और ढेर सारी यूनिट्स हैं। जापानी कंपनियां वहां पर हैं जिनके बहुत ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आने वाला समय यह होगा, न्यू टाइगर बनेगा, हम मेड इन चाइना को भूल जाएंगे और हमारे सामने मेड इन बांग्लादेश होगा। और देखते ही देखते ये बात सही, अगर हम बांग्लादेश की तरफ देखें, 1971 में जब यह देश आजाद हुआ था तो इस देश में बहुत ढेर सारी गरीबी थी, यहाँ पे बिजली नहीं आती थी, यहाँ पे ढंग के हवाई अड्डे नहीं थे, एकमात्र हवाई अड्डा ढाका में था जो ढंग से काम नहीं करता था, वहां पे बैगेज के जो लिफ्ट्स हैं वो काम नहीं होती थी, बिजली आती और जाती रहती थी, बहुत कम उड़ानें होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, बांग्लादेश का ढाका एयरपोर्ट बहुत शानदार एयरपोर्ट बन चुका है और दूसरे बांग्लादेश के कई ऐसे शहर हैं जो बाई एयर जुड़ गए हैं, यानी लोग, जिन लोगों को पहले सड़क से आने जाने में काफी समय लगता था वो अब घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी आइडियल कंडीशंस हो सकती हैं, धीमे धीमे बांग्लादेश उन सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए दुनिया भर में वो एकमात्र अकेला ऐसा देश है और खासकर एशियाई देश है जहां विदेश से लोग आकर के अपने कारखाने, अपने यूनिट्स बांग्लादेश में लगाना चाहते हैं। तो आज हमारे इसी संबंध को लेकर के एक स्पेशल स्टोरी होगी जो आप डिजिटल प्राइम टाइम में देखेंगे, वो होगा भूल जाइए मेड इन चाइना, अब आएगा मेड इन बांग्लादेश। तो रात 9 बजे हमारे स्टोरी को देखिए, अपनी राय जाहिर करिए। तो इनका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में न्यूज 18 वालों का, तो प्लीज उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि उन्होंने ये हमको खबर बताई है, इनकी वजह से हमको ये पता चल रहा है। कुछ पता है लेकिन थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं नॉलेज था कि वाकई जो बांग्लादेश के अंदर जो चाइनीज कंपनीज वहां जा रही हैं, आने वाले 10 साल या 20 साल के बाद हर तरफ आपको मेड इन बांग्लादेश की चीजें मिल सकती हैं। और नो चाइना को भूल जाओ मेड इन चाइना, ये बड़ा अच्छा है, भूल जाओ मेड इन चाइना, अब हर तरफ मेड इन बांग्लादेश। तो ये वीडियो का उन्होंने एक टाइटल दे के इस पर उन्होंने बहस भी की है, उन्होंने डिबेट प्रोग्राम की शो भी बोलने किया है। तो बांग्लादेश को हमारी तरफ से यार बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत जो है ना कंग्रेचुलेशन कि वो आने वाले साल, आने वाले जो डेवलपमेंट के दिन आने वाले बांग्लादेश में, और ज्यादा वो आने वाले जो साल 10-15 साल 20 साल वो बांग्लादेश के, और एक रियल एशियन टाइगर, जो रियल एशियन टाइगर बनकर बांग्लादेश उभरेगा। और पाकिस्तान इंडिया को भी उनसे सीखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान इंडिया मिस्टेक कर रहे हैं और डाउन हो रहे हैं। और गारमेंट्स में देखो, उसने 80-90% जो उनका एक्सपोर्ट है वो गारमेंट्स है, सोचो कि इतने बड़े लेवल पर उन्होंने कैसे काम किया। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी डेडिकेशन है और ईज जो है ना बिजनेस करने के लिए ईज देना, मतलब आप कहीं से इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, जैसा वो चाह रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाइयाँ पूरी करके ओके कारखाना चालू, फैक्ट्री चालू, मतलब करप्शन नहीं है, मुझे दे दो 5 करोड़ फैक्ट्री लगा लो, मुझे दे दो 10 करोड़ मैं लगा के देता हूँ। यानी कि गवर्नमेंट के अंदर इतनी ऐसी ऐसी बड़े बड़े लेवल पर करप्शन है, और ये इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, या बांग्लादेश में हो, या दुनिया के किसी भी कोने में हो, करप्शन के हम खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि कहीं भी करप्शन हो। और करप्शन जो मुल्क को आहिस्ता 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 खा जाती है, जैसे कि पाकिस्तान को अभी आहिस्ता आहिस्ता खाया है उसने, और अभी इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंडिया में भी करप्शन बहुत है, उसको भी ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल काम है करप्शन को ख़त्म करना। और अगर लीडर करप्ट आएंगे तो ख़त्म कभी भी नहीं होगी, जब तक लीडरशिप करप्ट नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेट्स चेंज होंगे, तो ब्यूरोक्रेसी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा निज़ाम चेंज हो सकता है। उसके लिए स्टेप लेने पड़ेंगे, बहुत हार्ड, बहुत सख्त किस्म के स्टेप लेने पड़ेंगे। तो बांग्लादेश के बारे में ये था वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगे और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं हूँ मिर्जा व्यूज, और इस पर अच्छी अच्छी वीडियोस बांग्लादेश के रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड और दूसरे कंट्री के रिलेटेड आती रहेंगी, और हमारे साथ रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।